बतौर कलाकार किस तरह से पसंद करते हैं कि अब आप प्लेबैक सिंगिंग भी कर रहे हैं, तो प्लेबैक सिंगर की तरह यू एंजॉय मोर सिंगिंग डूइंग प्लेबैक और यू लव बीइंग ऑन द स्टेज? I think it's a 50-50 kind of thing. On stage, I am more energetic. While on doing the playback singing, when on that thought, I think I have the more feeling and the more feeling to it actually, more power to it actually. That's what I think. खास तौर पे जो बॉलीवुड बफ्स हैं, जो बॉलीवुड फैंस हैं, उन लोगों ने आपके दो प्रसिद्ध गीत तो सुने हैं, जो कलयुग का गीत है और जहर फिल्म का जो गीत है। पाकिस्तान के जो आपके कुछ प्रसिद्ध गीत हैं, उनमें से कुछ कुछ आप हमें सुनाएंगे? जरूर जरूर, क्यों नहीं। दिस सॉन्ग इज कॉल्ड आंखों से एंड हियर इट गोज। आंखों से जब भी हो तेरी आंखें जुदा, मन से जब भी हो तेरा मन खफा, तो जी पुकारे पुकारे तुझे, तो मन घबराए बुलाए तुझे, ये दिल हारे पुकारे तुझे, मन जारे मना ले मुझे, सुन प्यारे लगा ले गले, खो जा रे जुगारे संग रे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आपके जो फैंस यहाँ बसे हैं, उनको जब ये मालूम है कि आतिफ आ रहे हैं, उनके दिल में एक अलग सी ख्वाहिश है, एक अलग सी उमंग है। बतौर कलाकार जब आप पाकिस्तान से यूएसए आ रहे थे, तो एक कलाकार के भी मन में होता है कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा परफॉर्म करूंगा, क्या क्या चीजें चल रही थी जहन में? मेरे जहन में यही चल रहा था कि बहुत बड़े हॉल्स होंगे और बहुत ज्यादा ऑडियंस होगी, और बिल्कुल उसी तरीके से वाइल्ड जो है वो लोग होंगे, मतलब उसी तरीके से, मतलब दैट्स द वे एन आर्टिस्ट एंजॉय एक्चुअली, कि बहुत ज़्यादा जोश होगा उनमें और बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, तो उस जोश के अकॉर्डिंगली मैं आई डेफिनेटली थिंक अबाउट द परफॉर्मेंस एंड आई वांट टू कीप इट एज सरप्राइज। म्यूजिक वेव्स जो है न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में ये कॉन्सर्ट आपके आयोजित कर रहा है और भी अन्य राज्यों में कर रहा है। म्यूजिक वेव्स इससे पहले कई और पाकिस्तान के कलाकारों के साथ भी कर चुका है कॉन्सर्ट्स, उनके साथ एक तालमेल बना रहे उसके लिए बतौर कलाकार क्या प्रयास है, कुछ खास? डेफिनेटली मतलब म्यूजिक वेव्स के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो लोग इनके साथ काम कर चुके हैं, मतलब दे हैव बीन टॉकिंग गुड अबाउट देम, और हमेशा से यही बताते हैं कि दीज पीपल आर द बेस्ट टू वर्क विद। तो आज जब मैं उनके साथ यहाँ पे हूँ और ये शो होने जा रहा है, तो आई रियली फील गुड अबाउट इट एंड आई कंग्रेचुलेट देम फॉर दिस सक्सेस, एंड इंशाल्लाह होपफुली हमारे इंशाल्लाह जो शोज होंगे वो इंशाल्लाह बहुत सक्सेस होगा। आतिफ, पहली खुशी तो इस बात की है कि आप न्यू जर्सी आ चुके हैं, आपके सभी फैंस को इस इंटरव्यू द्वारा पता चल जाएगा, और दूसरी खुशी ये कि आप परफॉर्म करने वाले हैं। इस बातचीत को समेटेंगे लेकिन एक म्यूजिकल नोट पर, तो जो अभी आपका पसंदीदा गीत हो उस पर इस बातचीत को समेटते हैं। आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं सुनी ले आसमां में।